फाइनली वी रीच इन एल्पाइन वुड्स रिजॉर्ट और ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सर्दी ऊपर है, नीचे शिमला में सर्दी इतनी नहीं थी बट यहाँ तो सर्दी है। ओके, जैसा कि बताया था यहाँ तीन रिजॉर्ट्स हैं, तीन कॉटेजेस हैं और इसमें सिर्फ तीन ही कॉटेजेस है। ओके, थोड़ा हाइट पर है बट अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट। यस, फाइनली। इतना टाइम लग गया यार ही ना आने में, बाप रे। नहीं, यहाँ ठंडक बहुत है वाकई में। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये लग्जरी वन है और यहाँ हम दो दिन स्टे करने वाले हैं। ये प्रीमियम वन है और ये स्टैंडर्ड है। ओवरऑल ऑल थ्री आर गुड बट हम फोर पीपल्स, हम चार लोग यहाँ रुकने वाले हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर का आराम से व्यू दिखाने वाली हूँ। चलिए अंदर का चेक करते हैं। कैसा फीलिंग आ रही है ना? कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। ओके, आयरा सो रही है, मेरे शोल्डर पे है वो, थैंक गॉड अभी सो रही है। ओके, अब हम ऊपर चलेंगे अभी थोड़ी देर में, तक हम ज़रा थोड़ा सा सेटल हो जाएं, फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? बेटा प्रिया, आयरा का ध्यान रखना। ओ भाई, इसको जरा देख रहे हो क्या करती है? आयरा मौसी के पास जा रही है। आयरा कहाँ जा रही है? बोला दीदी कहाँ है? बहुत ही अमेजिंग व्यू, सब जगह से ग्लासेस है, सब ओपन है, इतना सुंदर ट्री दिख रहा है यहाँ से। यह छोटा पेंगुइन है हमारा, बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर पहले ही विंडो खुली हुई थी, मुझे लगा कि बंद है। मैं यहाँ पर पास पे तब मुझे पता चला कि यहाँ से तो मैं पूरी निकल सकती हूँ। मैडम, यस आयरा, आयरा कैसा लग रहा है? मुझे बालकनी देखने दो, देखने दो, हटो आयरा। अरे कितनी हैप्पी हो रही है यार, सी चारी, इतने लंबे जर्नी के बाद में आप फ्री हो पाई है गाड़ी से। आयरा कैसे लग रहा है? आयरा ये बालकनी है। आयरा नानी, ये सिर्फ इस वाले लग्जरी जो कॉटेज है, सिर्फ इस कॉटेज में बालकनी वाला स्पेस दिया हुआ है और यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और सामने वाली में, इस सामने वाला कॉटेज भी है। यहाँ दो बालकनी है गैस। कौन बैठा है बगल में? इधर भी है। ओके, यहाँ रात को बॉन फायर स्टार्ट होगा एंड पार्टी होगी, पार्टी अच्छा है। हम लोग थोड़ा सा कंसर्न हो रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टी कि हम लोग यहाँ कैसा क्या होगा, बट प्रॉपर्टी इज़ रियली नाइस। अब लग रहा है कि हाँ फाइनली हमारा डिसीजन बहुत सही था। लेट्स चेक द वॉशरूम। ओके फाइनली इट्स गुड स्पेस इन वॉशरूम। यहाँ पानी इतना ठंडा है ना कि हाथ में धोने का मन नहीं कर रहा है। पूरा बेबी का सामान लेके चलना पड़ता है ताकि वो एंगेज रहे। फाइनली ये, अब हम रेडी हैं और हम जा रहे हैं घूमने। हाँ, हमारे कॉटेज से बाहर आ चुके हैं, कॉटेज मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज
हम कुफरी हैं ऑलरेडी एंड हम आगे ही कुफरी पे ही ऊपर अराउंड 5 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं. लेट्स सी वहाँ क्या व्यू मिलने वाला है. आयरा इज ऑल्सो रेडी. आयरा से हाय टू ऑल. आयरा कैसे भाग रही है जल्दी जल्दी. Oh my God, back to property. भाई सिर्फ इधर यही चमक रहे हैं जो कॉटेजेस हैं. बाकी तो कुछ चमक ही नहीं रहे. सब अंधेरा पड़ा हुआ है. ये मौसी घूम रही है. ये कॉटेजेस हैं. बाकी सब अंधेरा है. सब अंधेरा है. बस oh my goodness. सर्दी है. चलो क्यों मैडम कैसा फील हो रहा है आपको. एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी. मुझे लगा था यार इतना टेम्परेचर नहीं होगा पर जैकेट डाल ली. ओके मतलब सर्दी है. आयरा सर्दी है क्या बताओ सबको. हाँ भाई सर्दी है. पापा के पास चलो अंदर. पापा ये ना ओह माय गॉडनेस बॉटल के ऊपर आइस जम रही है. इतनी सर्दी है यहाँ पर. पानी नीचे है पर जो ऊपर आइस जमना चालू हो गई है इसके अंदर. मैं तो ऐसा पहली बार ही देख रही हूँ. बॉटल फ्रीज हो रही है. वाओ चलो थोड़ा पानी गर्म किया जाए क्योंकि यहाँ सर्दी वाकई में है. यस बेबी मम्मा गोइंग आउट. ये सर्दी का सर है. आप समझ पा रहे हो कि यहाँ सर्दी है. आयरा के लिए सबसे सेफ प्लेस यही है बिकॉज यहाँ बालकनी में नीचे बॉनफायर के जो वुड्स है वो नीचे गिर रहे हैं. हम बालकनी से मजे लेंगे वो लोग नीचे से. रात में यहाँ इतना अंधेरा था समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से रास्ता है. हाँ सारी मंकी आ रहा सी. बुत्ते सारी मंकी देखो. पहली बार देख रहे हो मंकी ऐसे जा रहे सब. हाँ ये बोलना जरा क्या कह रहे हैं आप. पहली बार देख रहे हो मंकी. नहीं मंकी पहली बार नहीं देख रहे. अपने शकल में शीशे में देखो. क्यों अच्छा तुम कहना चाह रहे मैं ही मंकी जैसी लगती. yes. अच्छा सही बात है यार. चल इस बहाने अब फिर अपनी प्रजाति से मिलके आती हूँ. ठीक है तुम मेरी प्रजाति का ध्यान रखियो. हाँ पीछे चल रही है. वहाँ पर कितने छोटे छोटे हैं यार. कितने सारे हैं. ये भाई 15 ने तमाशा मचा रखा है. कल रात में 5 बजे अराउंड बहुत अंधेरा था. लाइट भी गई हुई थी रिजॉर्ट की. उस बीच में हमारे गेट पे किसी ने हमारे गेट खोलने की कोशिश की. सुबह उठ के पता चला कि वो बंदर थे और उस डर की वजह से हम सोए नहीं. और पता चला कि बंदर थे. आप सोच सकते हो कि बंदर क्या क्या कंतरी काम कर सकते हैं. क्या हुआ है. ये गेम में हारने की पनिशमेंट है कि अपना अपना लगेज खुद उठा के लाओ. है ना नहाना भी सबसे पहले पड़ेगा. ओके कूल. सबसे पहले कौन आएगा. मैं. इतनी सर्दी हो रही है बस नहाने के लिए गेम खेल रहे हैं. हद हो गई. उसके बाद कौन आएगा. दीदी मैं खुद ही. ओके मैं नहाऊंगी. उसके बाद भाई जिया जी. नहीं पुलकित लास्ट है. यस बेबी क्या कर रहे हो बेटू. म्यूजिक प्ले करना है. ओके फाइन प्ले द म्यूजिक डांस. ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत ही ना इंसाफी हो रही है. सब एडवेंचर करने जा रहे हैं और मैं स्मैश कार करूंगी. ये कोई तरीके होते हैं. व्हाट. यस चलिए भैया. अरे मेरा हाथ. तुम लोग ठीक लग रहे हो. 3 बैंड है मेरा तो ब्लैक बैंड है. कोई फायदा नहीं है दिखाने का. अरे आ रहो एडवेंचर के लिए आगे जाना.